हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा प्लास्टिक बैन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, सभी SSC के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जरूर तैयार करिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा, सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इन प्लेलिस्ट में। ठीक है, इसके साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो, जो पत्र हैं उनकी भी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों जितने एसेज हैं और जितने लेटर्स हैं दोनों को आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिल जाएगी, अपने मीडियम के हिसाब से आप ले सकते हो, और आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और एसे और लेटर्स दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, तो इनको आप ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे, तो शुरुआत देख लेते हैं कैसे करनी है। प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न तरह से किया जा रहा है, ये बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं, और इस प्रकार बड़े पैमाने पर इनका उपयोग भी हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि जो प्लास्टिक है उसका उपयोग हम विभिन्न तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से उनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और जो प्लास्टिक है वो बाज़ार में उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका बड़े पैमाने पर उपयोग भी किया जा रहा है, राइट। हालांकि इन पर प्रतिबंध लगाना एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, यानी इन पर प्रतिबंध लगाया तो जा चुका है, लेकिन फिर से इसको कंटिन्यू किया जाता है, इसका यूज़ फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, राइट फ्रेंड्स। प्लास्टिक गैर बायोडिग्रेडेबल होती है, जो हजारों सालों तक नष्ट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि जो प्लास्टिक है वो गैर बायोडिग्रेडेबल होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हजारों सालों तक नष्ट नहीं होती, एज इट इज रहती है, राइट। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो, यहाँ पर इसके प्लास्टिक के बारे में बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद आगे मूव करते हैं। प्लास्टिक भूमि प्रदूषण का एक मुख्य या फिर प्रमुख कारण बन गया है। ठीक है, यानी प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक की वजह से क्या है, भूमि प्रदूषण जो है वो काफ़ी तेजी से हो रहा है, आप कह सकते हो बड़ा कारण है भूमि प्रदूषण का, राइट। प्लास्टिक वर्षों तक पर्यावरण में रहती है और भूमि और जल प्रदूषण में योगदान करती है। ठीक है, यानी जल प्रदूषण में भी इसका इक्वली इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जो वेस्ट पॉलीथीन होती है या फिर अदर जो प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं भूमि यानी इस धरती पर डंप कर दिया जाता है, या फिर वाटर बॉडीज़ में उसको थ्रो कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लैंड है लैंड पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और वाटर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो भूमि और जल प्रदूषण दोनों में ही इसका योगदान है, राइट फ्रेंड्स। यही कारण है कि कई देशों ने प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, यानी एक्सेसिव यूज होने की वजह से प्लास्टिक जो है भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण का कारण बन रही है। इसी को देखते हुए कई सारे देशों ने क्या किया है, प्लास्टिक के जो बैग हैं, पॉलिथीन बैग्स, उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनको स्टॉप कर दिया है उसके यूज पर, राइट। इन देशों ने प्लास्टिक बैगों के उपयोग को पेपर बैग या कपड़े के थैलों से बदल दिया है। ठीक है, यानी कि इन देशों में प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं हो रहा, इसके बदले में पेपर बैग या फिर थैले जो हैं, कपड़े के थैले जो हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप सजेशन भी दे सकते हो कि जो प्लास्टिक के बैग हैं उनका उपयोग जो है वो उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए, पेपर के बैग या फिर कपड़े के थैलों का यूज़ किया जाना करना चाहिए। ठीक है, जिससे प्लास्टिक के जो बैग्स हैं उनका यूज़ कम हो सके, और प्लास्टिक का कहीं कुछ ना कुछ कुछ हद तक जो है उसका उपयोग भी कम किया जा सके, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हो। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। भारत सरकार ने भी कई राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि इसे ठीक से लागू नहीं किया गया। ठीक है, हमें यह समझना चाहिए कि इन पर हमारी भलाई के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए इनके उपयोग को रोकने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो कि पहले तो भारत सरकार ने भी कई राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग पर और स्पेशली प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है, और हालांकि जो है इसको ठीक से लागू नहीं किया गया,
तभी जो है अभी भी हर जगह पर देखा जाए तो प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ठीक है, सभी लोग प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, ये हम सभी को समझना चाहिए कि जो बैन लगाया गया है वो हमारी भलाई के लिए लगाया गया है, ठीक है, और जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को एक तरह से ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो यूज़ हो रहा है, जो प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है अलग अलग फॉर्म्स में, उसको कम करें और उसको बेसिकली ख़त्म करने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये पर्सनल लेवल से हम सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, इससे रिलेटेड अदर एस्पेक्ट आप बताओगे, जैसे प्लास्टिक इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करती हैं, राइट। यानी जो प्लास्टिक है वो इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी अपना इम्पैक्ट दिखाती है, ठीक है। कैसे दिखाता है, कैसे बेसिकली जानवरों को इम्पैक्ट कर रही है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे कि बचा हुआ भोजन, सब्जी या फिर सब फलों के छिलकों को आमतौर पर प्लास्टिक बैगों में फेंक दिया जाता है। पशु अक्सर इन बैगों को भी खा जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है। यानी कि जब हम अब जो भोजन बचा हुआ है, सब्जी है, जो फल है, उनको हम प्लास्टिक बैग्स में फेंक देते हैं, पॉलीथीन बैग्स में फेंक देते हैं, और जो ये पशु होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो इन भोजन को खाते खाते ये क्या है, जो बैग हैं, प्लास्टिक के बैग हैं, उनको भी निगल जाते हैं, उनको भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें कई तरह की बीमारियाँ बनती हैं, कई तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं उनको, ठीक है। और कभी कभी तो अगर गले में चोक होने की वजह से जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है, और जो प्लास्टिक है वो इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसके बारे में देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। इसी तरह समुद्री जीव भी भोजन के लिए प्लास्टिक के टुकड़ों को गलती से खा जाते हैं, जिससे वह उनमें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, ठीक है। यानी कि समुद्री जीव जो होते हैं, मरीन क्रीचर जो होते हैं, वो भी क्या भोजन के लिए प्लास्टिक के टुकड़े निगल जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो है बीमारियां फैलती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। प्लास्टिक में मौजूदा रसायन मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। अब आप ये भी बता सकते हो कि जो प्लास्टिक है उसकी वजह से क्या है, सॉइल पोल्यूशन भी होता है, मिट्टी को भी वो प्रदूषित करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं, राइट। वे मिट्टी को अनुपजाऊ बनाते हैं और पौधों के विकास में बाधा डालते हैं, ठीक है। तो मिट्टी अनुपजाऊ बनेगी और पौधे का विकास नहीं होगा तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि प्लास्टिक की वजह से जो है सॉइल पोल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में, सॉइल पोल्यूशन के बारे में बता सकते हो, राइट। इसके बाद देखो, प्लास्टिक ज़्यादातर पॉलीप्रोपिलीन से बनी होती है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, ठीक है। यानी जो प्लास्टिक है उसको बनाने के लिए पॉलीप्रोपिलीन का उपयोग किया जाता है, और ये पॉलीप्रोपिलीन कहाँ से बनती है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस से उत्पन्न होती है, इन दोनों से उपयोग के बेसिकली बनती है, ठीक है। ये दोनों ही गैर नवीनीकरण जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। ये मतलब नॉन, इनको इनको फिर से हम जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, गैर नवीनीकरण है, जीवाश्म ईंधन होते हैं ये, और इनका निष्कर्षण ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कि जितना हम इनका एक्सट्रैक्शन करेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस भी बनेंगी बेसिकली, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण भी बनता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो यहाँ पर बता सकते हो, प्लास्टिक का अगर हम एक्सेसिव निष्कर्षण करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, प्लास्टिक का इन्वायरमेंट पर भी हमारे काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है, काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप एक्सप्लेन कर लोगे। आगे मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। भारत में सरकार के कई राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। यानी भारत सरकार ने कई राज्यों में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन लोग इसका उपयोग अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी भी बाजार में उपलब्ध है, ठीक
ठीक है, यानी कि सरकार ने बैन तो लगा लिया, कई राज्यों में बैन तो लगा दिया है कि प्लास्टिक का उपयोग ना हो, लेकिन अभी भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग हो रहा है, क्योंकि अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, अभी बाजार में उपलब्ध है, राइट। इनका उपयोग ना हो या सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। अब आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जो उपयोग हो रहा है प्लास्टिक का वो कम हो या फिर ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम में से प्रत्येक को इसका उपयोग बंद करने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम सभी प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, ठीक है, एटलीस्ट कम से कम करें, ताकि जो यूज़ है, जो प्लास्टिक एक्सेसिवली यूज़ हो रही है उसका वो कम हो सके, राइट। इस प्रकार प्लास्टिक हमारे सुंदर वातावरण को बर्बाद कर रही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन गई है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से लास्ट में कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि प्लास्टिक जो है हमारे सुंदर वातावरण को बर्बाद करती जा रही है और इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन चुकी है एक तरह से, ठीक है। यही सही समय है जब हमें प्लास्टिक के उपयोग को बंद करना चाहिए, यह हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में एक बेहतर कदम साबित होगा, ठीक है। हम अगर उपयोग को कम कर पाते हैं और बंद कर पाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इन्वायरमेंट पर, राइट फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा होगा, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, कैसे लिखना है, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू सजेशन भी दे सकते हो, अगर कोई इंपॉर्टेंट लगता है टॉपिक आपको तो आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनकेडमी पर ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।